Hey guys, good morning and welcome back to another vlog. आशा करता आप सब ठीक होंगे। मेरे आप सुबह सुबह मीटिंग चल रही थी, केटी सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। केटी का मतलब होता है नॉलेज ट्रांसफर। जो लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं वो मुझे नॉलेज दे रहे हैं क्या काम होता है, कैसे होता है, जो मुझे सीखना है और फिर अपना काम मैं शुरू कर दूंगा। और आज मुझे फाइनली ऐसा लग रहा है मेरा लैपटॉप आ जाएगा, तो मैं आपको अनबॉक्स करके कंपनी का नाम सब इस वीडियो में बता दूंगा। और आज हम लोग घर भी जाने वाले हैं क्योंकि हमारे घर पे कल है एक फंक्शन। वो फंक्शन क्या होने वाला है ये आपको कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा। आज हम घर के लिए भी निकल जाएंगे और आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि फाइनली मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन कर ली है। तो बने रहो ब्लॉग पे। तो भाई घर जाने के लिए ना थोड़ा हेयर कट वगैरह भी करके आना पड़ेगा, ज़रूरी है। और कपड़े भी इस्त्री करके लाने पड़ेंगे क्योंकि हमारी इस्त्री खराब हो चुकी है, आपको पता है। ये देखो भाई अपनी लैपटॉप पे ना हिंजवाड़ी में आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो हिंजवाड़ी पुणे सेंटर में आ चुका है। शायद होपफुली आज मिल जाए, क्योंकि अगर आज हम घर चले गए तो फिर मेरा लैपटॉप कौन लेगा भाई। हेयर कट कर लेते हैं दोस्तों, अपने कपड़े इस्त्री हो चुके हैं, घर जाने की तैयारी है हमारी। ये लैपटॉप की मैं इतने दिन से रहा देख रहा हूँ ना, क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है, पर आज नहीं आया तो भाई मेरा तो पंगा हो जाएगा। फिर घर भी जाना है हमें, और अगर आज नहीं आता है तो फिर पता नहीं यार मैं कैसे डिलीवरी ले पाऊँगा उस लैपटॉप की। जून महीना चल रहा है, ख़त्म होने को आया है। बादल देख लो, बारिश का क्या हो गया इस साल पता नहीं यार। गांव में तो भाई एकदम सूखा पड़ने जैसी हालत हो गई होगी अभी तो, इतना खतरनाक वाला, क्योंकि पानी ही नहीं है, बारिश नहीं है। दोस्तों फाइनली अपना पार्सल आ चुका है और आप लोगों को भी पता चल जाएगा। आप लोग अभी मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं घर निकलने वाला था थोड़े दो घंटे बाद, तो अच्छा हुआ जल्दी से डिलीवर हो रहा है। आर यू गाइस एक्साइटेड? मैं भी एक्साइटेड हूँ भाई, क्या आता है पैकेज में वो सब देखने के लिए। मैं सोच रहा हूँ घर जाके अनबॉक्सिंग करते हैं मम्मी पापा के साथ, या यहाँ पे ही करूँ। आई थिंक मुझे यहाँ पे ही करना पड़ेगा क्योंकि मैनेजर को बताना पड़ेगा ना कि मेरे पास लैपटॉप आ चुका है, तो मुझे वो सब चीज़ें अभी करना पड़ेगा, तो अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ओ भाई किधर है, एक्साइटमेंट हो रही है। अरे आगे देखो आगे, ये दोनों है ना भाई सामने वाले आने लोग, इनके पास शायद। तो फाइनली अपना लैपटॉप आ चुका है, मुझे लगता है लैपटॉप ही है सिर्फ इसमें, ज्वाइनिंग किट का तो पता नहीं यार इन्होंने दिया नहीं दिया। चलो दोस्तों फाइनली मेरे पास आ गया है, ऊपर जाके इसको अनबॉक्स करते हैं। यार इसके साथ ज्वाइनिंग किट नहीं आया है शायद, मुझे नहीं पता इनका ज्वाइनिंग किट होता है या नहीं होता है, पर जितना मैंने यहाँ पे देखा था सोशल मीडिया पे देखा था उनका ज्वाइनिंग किट भी होता है, पता नहीं वो बाद में भेजते होंगे। दोस्तों फाइनली अपना लैपटॉप डिलीवर हो चुका है, चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो चलो भाई इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। पायल कैच चलाओ ना, कैच चलाओ ना। दोस्तों फाइनल कंपनी का नाम है टाणाणा डाणा डाणा। ऐसे क्यों खींच रही हो, माल तो नहीं पैक करते। तो दोस्तों कौन सी कंपनी ज्वाइन की है आपको अभी पता नहीं चलेगा, ये सब निकालने के बाद हमको बताएंगे कौन सी कंपनी है, बने रहो। ओए 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 ओए। तो दोस्तों ये है वो कंपनी जो मैंने ज्वाइन की है, जिसका नाम है वैल्यू लैब्स। अरे क्या है उसमें पायल, बैग तो उठा पहले। तो भाई ये है अपना ज्वाइनिंग किट, इसमें हमें मिला ये बैग। ये क्या है, चाय के लिए देखा, रोज मिंट, एडिंग अ रोज टिंट एंड फ्रेश मिंट टू योर डेली ग्राइंड, चाय में डालने के लिए चाय। दोस्तों इसको एक एक चीज को बाहर निकाल के देखते हैं क्या क्या है इसमें। इधर लाओ पायल कैमरा। फाइनली जो आप लोगों को एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है, तो आप लोगों को अभी पता चल ही गया है कि मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन की थी, वो है वैल्यू लैब्स। और ये कंपनी मैंने क्यों ज्वाइन की है ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, पहले मुझे थंबनेल शूट करने दो। अरे चॉकलेट्स, चॉकलेट नहीं है चाय में डालने के लिए इसमें, ये देख बास पे। वो बाद में देखेंगे पहले आप। हाँ तो ये चाय में डालेंगे, ध्यान दे तू कैमरे में। तो ये पहला तो लेटर है, एज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वैल्यू लैब्स वांटेड टू, चलो ये बाद में पढ़ेंगे लेटर। उसके बाद है ये क्या है भाई, ये क्या है, ये तो लव लेटर। ये कुछ स्टैम्प्स है जो वैल्यू लैब्स के शायद 25 साल होने के मौके पे वो लोग ये स्टैम्प्स डिलीवर कर रहे हैं एम्प्लॉइज को। ये क्या है भाई, ये और कुछ स्टैम्प्स है क्या, इतने स्टैम्प्स क्यों भेजे इन्होंने, स्टैम्प्स का क्या करूँगा मैं, दो लेटर गलती से डाल दिया। और इसमें क्या है पायल, चॉकलेट। पायल को
खाने के लिए चॉकलेट नहीं है इसमें, इसमें है बादाम। अच्छा वाह, हमारे हलवा में डाल के खाएंगे इसको। तो ये मैं ज्वाइनिंग किट भी आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या है। ये है भाई एक नोटबुक, उसके बाद ये क्या है भाई, ये क्या है, कार्ड डेक गेम स्पेशली डिजाइन टू कार्ड से क्या गेम, एक गेम है शायद कोई, तो इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका इनके ऑफिसेस के नाम है शायद, कहाँ कहाँ पे ऑफिसेस है। इसका एक मैनुअल भी दिया है, वो भी सीखना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज, ये क्या है भाई, ये तो मुझे क्या अलग अलग, ये क्या चीज है मुझे पता, ये नरसड़ाई, ये क्या है भाई, चाय पीने के लिए क्या कुछ तो होगा ये, ऐसा कैसा है, ये क्या है भाई, ये पता करना पड़ेगा। पायल रुको तुम, मुझे ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, शायद दिमाग लगाने की चीजें दी, ये बाजू रखते है, पता नहीं भाई मुझे क्या है। ये भी क्या है भाई, क्या है देखा यार, इतना क्या है, देख तो क्या है, नहीं 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 कुछ नहीं ऐसे भाई। ओह इसमें कुछ लिखा है, आई एम विनिंग टू कॉस्टली, ये क्या है, ये भी मुझे पता नहीं चल रहा है, पाइल हटा, ये क्या है, ये अलग अलग चीजें यार, ये इसका चीजें होंगी शायद से, ये रखो हम बाद में इसको जोड़ देंगे। और ये कुछ बैजेस है जो मैं लगा सकता हूँ अपने बैग्स को वगैरह या फिर कहीं पे घूम रहा हूँ तो। और ये एक पेन, उस पे नाम है क्या, हाँ उस पे मेरे लिए लिपस्टिक। और फाइनली इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये लैब, ये इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। अब इसको खोलना पड़ेगा भाई, पेचे दे दो पाइल इसके ऊपर, उनको पता होगा ना आपकी बीवी को कुछ काम नहीं है। दो हफ्ते बाद सुनिए दादा, ओ ये है अपना लैपटॉप, ये पहले लैपटॉप की जैसा ही ना, वैसे ही है ना, इसका भी ऐसा ही था ना, ऐसा ही था, पर ना इसका थोड़ा है ना पतला था, पतला ये थोड़ा मोटा है, पर हल्का है छोटू सा, खाते पीते का रतला सा, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, बैग में रख के सब जा सकते कहीं पे भी। और बैग भी अच्छा है भाई, वाइल्ड क्राफ्ट का बैग है। कितने बैग्स हो गए हमारे यहाँ, हो गया अपना काम शुरू, अब मैनेजर को बताना पड़ेगा भाई लैपटॉप आ गया है, दरअदन काम देंगे मुझे। तो दोस्तों फाइनली अपना लैपटॉप, अपना ज्वाइनिंग किट, सब चीज़ें आ गई है, और आप लोगों को भी पता चल गया है कि मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है। वैल्यू लैब्स एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, और मैंने ये कंपनी क्यों ज्वाइन की है, क्योंकि उन्होंने मुझे दिया है वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम और इनका ही मेरे पास सबसे अच्छा वाला ऑफर था, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इनके कंपनी के साथ जाऊंगा। और इनका जो प्रोजेक्ट था वो भी मुझे अच्छा लगा था, और जो मेरे इंटरव्यू राउंड वगैरह हुए थे उससे मुझे लगा था कि ये कंपनी अच्छी है, इसमें मैं जा सकता हूँ लॉन्ग टर्म करियर के लिए, तो इसलिए मैंने ये कंपनी चूज़ करने का डिसीजन लिया। मैं पहली बार किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होने वाला है, और मैं भी चाहता था कि देखूँ कि सर्विस बेस्ड में काम कैसे होता है, क्योंकि मैंने अब तक जितना भी काम किया है वो प्रोडक्ट बेस्ड में ही किया है। और मेरी इच्छा भी थी कि मैं, मुझे क्यूरियोसिटी भी थी कि ये सर्विस बेस्ड में काम कैसा होता होगा, ऊपर से मुझे वर्क फ्रॉम होम भी मिल रहा था, ऊपर से मुझे मतलब प्रोजेक्ट वगैरह भी सब चीज़ें ठीक ठाक लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो भाई ज्वाइन करके देखते हैं क्या होता है, कैसे चीज़ें होती है सर्विस बेस में, तो भाई चलो। आई होप आप लोगों का आंसर मिल गया होगा। तो अब ये सारी चीज़ें जमा करते, पहले तो मुझे लैपटॉप कन्फिगर करना पड़ेगा कॉल वगैरह करके। फिलहाल पायल यहाँ पे खेल रही है इन सब चीज़ों से, खेल नहीं, ये सब असेंबल करो क्या क्या है, देखो सब चीज़ें, इसमें कुछ बादाम से इनको खाओ, ये कार्ड देखो, ये बादाम किस लिए दिए, ये खाओ और इसका भी। ये स्टैम्प डबल दिए उन्होंने शायद, देना गलती से दो डाल दिए, पर कोई ना चलो कोई तो उपयोग कर लेंगे इनका। और इसमें देखो क्या लिखा है, आई एम विलिंग टू कांस्टेंटली लर्न एंड ग्रो इन टर्म ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये देखो भाई ये ओढ़नी ओढ़ के नाचू कर रही है, करो पायल एक बार, करना है ओढ़नी, करना है इतनी बड़ी ओढ़नी हो गई अभी ये तो, कल फंक्शन में यही पहनना, नहीं नहीं
फंक्शन में मुझे क्या ये करना है क्या, मैं साड़ी पहनूंगी और ये चाय में डालना भाई, थोड़ी सी खुशबू आएंगी, इसका चाय बना के पिलाना मुझे 4 बजे। लगाना जरा इसको, ये सब ज्वाइन करके दो मुझे। ओ लगाओ, पता है मुझे। भाई जिसको समझा नहीं वो वीडियो पॉज करके देखना, ये क्या कर रही थी। ये वाली पीन है ना टाइप सी। बोलती मुझे सब आता है। लगा चलो इधर लगा दे। गलती से हो गया। वो जा चालू सिम डेल। वो चॉकलेट बनाने का है क्या? हाँ। दिखाओ सब्सक्राइबर भाई, हो बताओ ये क्या है यार, पता नहीं चल रहा हमें। इसके लिए बुचन दिया है ना कैसा लगा तुझे ये? सुनील ये कार्ड वगैरह है, कार्ड बहुत अच्छे है भाई। मुझे तो वेलकम किट अच्छा लगा इनका भाई, मुझे शुरू में लगा लैपटॉप भी भेज दिया सिर्फ। थीम बहुत अच्छा है। हाँ 25 साल हो गए ना उनके कंपनी के, इसलिए ब्लैक कलर में थीम है ना, ब्लैक एंड सिल्वर कैसा दिखता है वो सही, एक नंबर। ओके स्टार्ट हो रहा है अपना लैपटॉप। फाइनली दोस्तों सारा कॉन्फ़िगरेशन अपना हो चुका है और अभी बस देरी है चीज़ें सीखने की, प्रोजेक्ट वगैरह अंडरस्टैंड करने की, फिर अपन शुरू हो जाएंगे काम के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, वैभव आ रहा है, तो वैभव मैं पायल सुनील हम सब लोग जाने वाले हैं। और मुझे नाइस का रिलीविंग लेटर भी आ चुका है। रिलीविंग लेटर मतलब अभी कोई आप कंपनी छोड़ते हो तो वो कंपनी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देती है कि हाँ इस एम्प्लॉय ने हमारे यहाँ पे काम किया है और वो इस डेट से इस डेट तक हमारे यहाँ पे काम कर रहा था, उसके बारे में लिख के देते हैं, जो हमें अगले कंपनी को दिखाना पड़ता है। जैसे अभी मुझे वैल्यू लैब को ये लेटर दिखाना पड़ेगा एज अ प्रूफ कि मैं सच में काम कर रहा था कहीं पे, तो वो डॉक्यूमेंट भी मिल चुका है, तो हमारा रास्ता अभी क्लियर है। अबे धक्के मार के बाहर निकल रही है, मेरा सब लेके कपड़े वगैरह, अपना लैपटॉप उठाते हैं। पौधे इस बार घर में रख दिए हम लोगों ने, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, पानी और आटा लेके जाते हैं। तो वैभव नीचे आके खड़ा है, कब से अच्छे से साफ करना भाई। हमारी गाड़ी हमारे पार्किंग में लगा देते आज, और इसका पहले ना पेट्रोल चेक कर लेते कितना है, मतलब हमें पता चलेगा आते वक्त कितना रह जाता है। ये देखो ऊपर तक दिख रहा है ना, अगर इस बार गायब हुआ सोसाइटी में कंप्लेंट मारूंगा पहली में। चलो निकलते हैं अभी घर। जोर चेक इन चेकआउट रहा था। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है भाई। जेंट्स का एरो इधर दिखा रहा है, इधर कहाँ जाना है? इधर ही है भाई जेंट्स। क्या खाना है बताओ? आप लोग सोच रहे होंगे सुनील क्यों नहीं है, सुनील को आ गया मैनेजर साहब का कॉल, अर्जेंट काम आ गया तो इसलिए उसने कर लिया। वैसे टाइम हो चुका है 6:30 बज चुके हैं। क्या ऑर्डर करना है भाई? जी स्वस्था संदे जो। इंटरनेट नहीं चल रहा है? देखो आईटी इंजीनियर्स की हालत देख लो तुम लोग। इधर खाने को जो हमें चाहिए था वो तो नहीं है, हमें खानी है मिसल, क्योंकि वो हमें एकदम फटाफट चाहिए। अभी ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, घर पहुँचते पहुँचते कितना टाइम होगा पता नहीं। फिर से एक और रेस्टोरेंट में हम रुके हैं, अभी यहाँ पे तो मिसल मिल जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसका नाम ही स्पेशल मिसल है। पायल कैसा लग रहा है घर जा रहे हो? वाह कितना सुंदर है यार, ये सब बढ़िया लग रहा है इधर। मिसल एक नंबर है, सुनील का भी कॉल ही चल रहा है, हम लोगों के खत्म होने को आई है। 9 बजे है अभी, हम 9 का से 8:30 ये दोनों आगे बैठे, भाई का लैपटॉप भी चल रहा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन चल रहा है हमारे ड्राइवर भाई साहब। ओ भाई समझ बोलो ड्राइवर हो गया, मतलब अभी ड्राइविंग ही कर रहे हैं तो ड्राइवर ही बोलेंगे ना, अभी उसको क्या बोलेंगे, कह रहे भाई ड्राइवर को खाना खिलाओ। दोस्तों हम किस रास्ते से घर जा रहे हैं, देखो दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, पहली बार इतने सुनसान रास्ते से घर जा रहे हैं हम लोग, और वो भी रात को, तो थोड़ा सा पायल तो डर गई है तो इसलिए सो गई। भी डर लगता है ना, खासकर लेडीज लोग जब साथ रहते हैं तब तो ज़्यादा ही लगता है। ये देखो दोस्तों जंगल, हम घर पहुंच चुके हैं। अरे भाई सारी तैयारी चल रही है, इधर लोग बैठे हुए हैं।
पहुंच गए भाई घर और देखो इनको, ये कौन है? हमना राव देना सुनील को मिल चुका है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड। मम्मी बोल रहे अभी पेमेंट बढ़ के मिलेगा, वो नहीं वो मत पूछो। दोस्तों फिलहाल हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सब तैयारी चल रही है कल के फंक्शन की। क्या फंक्शन है वो सब आपको कल पता चल जाएगा। दोस्तों रॉकी भाई से भी मिल लो, रॉकी से हाय। फिलहाल सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल हमारे यहाँ पे एक फंक्शन है, वो कल आपको पता चल जाएगा। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।